नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। कल के वीडियो में मैंने आपको महत्तम सामर्थ्य निकालना बताए थे, आज के वीडियो में मैं आपको लघुतम सामर्थ्य निकालना बताऊंगी। तो हमारे क्वेश्चन दिए हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स एस स्क्वायर माइनस वन तथा एस क्यू माइनस वन का लासा बताइए। तो हम लासा निकालेंगे कि देखते हैं कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो हम लासा निकालेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एक्स क्यू माइनस वन को सॉल्व करेंगे एक्स क्यू माइनस वन, तो ये हमारा आएगा पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा आया। अब इसका लासा निकालना है तो हम लासा निकालेंगे, लासा में हम देखते हैं कि जो हमारा पद कॉमन आता है उसे तो लिखते ही हैं, और जो हमारा पद कॉमन नहीं आता है उसे भी लिखते हैं। जो हमारा पद कॉमन आता है, जैसे इसमें हमारा x माइनस वन कॉमन है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, पहले हम x को लिखेंगे, ये हमारा पद कॉमन नहीं है तो इसको एक बार लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर ये हमारा x माइनस वन और इसमें भी हमारा x माइनस वन है तो इसको एक बार लिखेंगे। अब ये हमारा x प्लस वन है, इसमें इस पद में है नहीं तो इसको एक बार लिखेंगे, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे एक बार। अब हमारा आएगा एक्स, अब ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया है एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर ये x प्लस वन लिखेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया एक्स क्यू माइनस वन का। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर फोर माइनस वन, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस वन, इसको भी लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर में, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें फार्मूला लग गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारा आएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं कौन सा पद कॉमन आ रहा है। तो हमारा इसमें एक्स माइनस वन पहले कॉमन आ रहा है, तो पहले एक्स माइनस वन लिखेंगे, फिर ये हमारा एक्स प्लस वन भी कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वन लिखेंगे, एक बार लिखेंगे जो पद कॉमन आता है उसे एक बार लिखते हैं। अब ये हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये हमारा लिखा x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन, ये हमारा लासा आया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है
हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व तथा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का लासा बताइए। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को, तो हमारा ये आएगा ये ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका और इसका गुणा करवाते हैं और जोड़ने घटाने पर प्लस का सेवन आए, गुणा करने पर ट्वेल्व आए और जोड़ने घटाने पर प्लस का सेवन आए। तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हमारी ऐसी संख्या है फोर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस का ट्वेल्व, तो हमारा ये आएगा एक्स एक्स माइनस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसको कॉमन किया है तो हमारा आएगा एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, गुणा करें तो थ्री आए और माइनस करें तो टू आए। तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे, ऐसी संख्या हमारी है थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस, अब थ्री माइनस वन का एक्स के साथ गुणा करवाएंगे तो हमारा आएगा थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। अब इससे कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा अंदर एक्स माइनस थ्री, इससे प्लस वन कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा एक्स माइनस थ्री, ये हमारा बचेगा। एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अब देखते हैं कि हमारे कौन सा पद कॉमन हो रहा है। ये देखते इसमें एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री है, इसमें एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन है, तो पहले हम जो पद कॉमन आता है उसे एक बार लिखते हैं। पहले हमारा एक्स माइनस थ्री कॉमन है तो पहले एक्स माइनस थ्री लिखेंगे। अब हमारा इसमें एक्स प्लस वन है, इसमें हमारा एक्स प्लस वन नहीं है तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन। अब एक्स माइनस फोर ये बचा हमारा पद, इसको लिखेंगे एक्स प्लस फोर, ये हमारा आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये हमारा खुलासा आया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा यहाँ पर माइनस है एक्स माइनस फोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।